दोस्तों ये देखिए हमारा कूलर पूरा बन चुका है, एकदम नए जैसा हो गया है। अब इसको गाड़ी के अंदर डालते हैं। थोड़ा मोबाइल में नया नया मोबाइल था कवर लगाने के लिए, इतना ज्यादा भीड़ था, थोड़ा समय लगे लग गया कवर इसमें। स्क्रीन गार्ड है, स्क्रीन गार्ड और चश्मा का ही और चश्मा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए वापसी का फिर स्वागत है। मतलब सुबह 11 बज रहा है और अभी हम रांची बाईपास में खड़े हैं और सागर आ चुका है, रामगढ़ से रांची आ चुका है सागर, और बाईपास में खड़ा इंतजार कर रहा है हमारा। तो जा रहे हैं, कुछ हमारा सामान छूट गया था और हमारा कूलर का भी जो साफ सफाई करना था वो भी लेके गया था, वो भी लेके आ गया है। थोड़ा स्पीड उसको कम लग रहा था, थोड़ा स्पीड बढ़वा देंगे करके वो भी करवा लिया है। तो अभी सागर आ चुका है तो हम चलते सागर के पास में, मिलते सागर से अभी। दोस्तों अभी सागर आ चुका है, देख सकते हैं हम गाड़ी खड़ा कर दिए हैं, यही बाईपास में खड़े हैं। ये हमारा गुमला बॉम्बे रोड, जिसको बोलते हैं बॉम्बे रोड, रांची बॉम्बे, उसी रोड पे हम खड़ा अभी। ये लोग भी आ चुका है। दोस्तों हमारा ये खराब हो गया था कूलर, देखिए तो इसका क्या है, कार्बन खत्म हो गया था पूरा, तो वो चेंज करवाए तो इसका स्पीड बहुत कम हो गया था, इसलिए बहुत दिक्कत आ रहा था। तब वो लग गया है, अब कोई टेंशन नहीं, अब आराम से इसको चला सकते हैं, जैसे पहले स्पीड आता था अब सेम वैसे ही आएगा। दोस्तों ये देखिए हमारा कूलर पूरा बन चुका है, एकदम नए जैसा हो गया है। अब इसको गाड़ी के अंदर डालते हैं। ये रहा हमारा कूलर, अब इसको लगा देते हैं। वहाँ पे तो सामान रख दिया है राशन वाला, तो उसको डब्बा यहाँ रखना पड़ेगा और ये फिर से वहाँ जाएगा। दोस्तों सागर तो चला गया और कूलर भी लाकर दे दिया है, कूलर भी है, माइक भी देखे चार्ज लगा दिया, माइक भी नहीं था ये भी लाकर दे दिया है। तो आया था तो लोग रांची से नाश्ता लेके आ गया था और देखिए कितना अच्छा डोसा लेके आया है, तो बोला कि आप लोग नाश्ता लेते हैं, इसलिए हम नाश्ता किए थे। तो यही सब नाश्ता जब ज्यादा हो जाता है हम लोग का तो फिर दोपहर का खाना खत्म हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों अभी करते हैं नाश्ता, मौसम बहुत अच्छा है, धूप वगैरह है नहीं रांची में, तो ऐसे भी ठंडा रहता ही है, तो निकलते हैं नाश्ता करके, निकलते रहेंगे फिर यहाँ से अभी। अभी दोस्तों हम लोग वहाँ से तो नाश्ता करके निकल चुके हैं, तो अभी रास्ते में है, तो कल तो हम लोग बहुत ज़्यादा देर रुक गए थे इसी कारण से, कूलर और माइक के कारण से, तो इस बार हम लोग को आज ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा रास्ता, छत्तीसगढ़ आज पहुँच जाना है हम लोग को, और फिर कल परसों खाली भी हो जाएगा हमारा गाड़ी। और देख सकते इधर पापा भी गाड़ी चला रहे हैं, तभी तो मौसम ठीक है, ज़्यादा बादल बादल किया हुआ, धूप नहीं है उतना, कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, तो अब तो कूलर आ गया तो अच्छा से ठंडा लगेगा। दोस्तों अभी ये जगह खड़ा किए हैं और पंखा चेक करने के लिए कि मेरा कूलर का जो पंखा है वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, तो कनेक्शन जोड़ दिए हैं तो टेप वगैरह मान लेते हैं। ऐसे तो पंखा चल ही रहा है मेरा, थोड़ा स्लो था उसके चलते ये गया था साफ सफाई करवाने के लिए, तो लेके आ गया साफ सफाई करा के, तार वगैरह जोड़ दे रहे हैं। यही मेरा चार्जर का भी तार है और इसका भी तार है, दोनों एक साथ है यहाँ पे। जब भी वायरिंग कहीं कुछ होता तो टेप मार के रखना चाहिए, चाहे गाड़ी का हो या घर का रहे, अर्थिंग हो या मेन हो, कोई भी तार हो, टेप दोनों में मारना चाहिए। देखिए मेरा वो तो मेन का भी है और अर्थिंग का भी, हम दोनों ही मार देते हैं, ये सब कहीं ना टच होगा ना कभी शॉर्ट करेगा, ये सब चीज बहुत जरूरी है। सब पंखा चला के देखो तो चल रहा है, चलने लगा, पंखा तो चालू हो गया है, पानी चालू नहीं किया है, जो पानी अभी डालना बाकी है। दोस्तों अभी हम लोग कूलर लगा के थोड़ी दूर आ गया है, फिर अभी मार्केट में रुके हुए कुछ काम से, पापा गए शायद चश्मा लेने के लिए अपना, पापा का चश्मा भुला गया कि इधर मिल ही नहीं रहा है, शायद घर में ही छोड़ दिए थे, इस बार घर में गए थे गिरी प्रवेश में, तो जो सूट वगैरह था उस टाइम चश्मा पहन रहे थे, शायद हो सकता है घर ही में छूट गया, तो अभी पापा गए लेने के लिए। तो जब तक पापा चश्मा लेके आते हैं मार्केट से, तब तक हम यहाँ कूलर के पास रहते हैं। दोस्तों कूलर तो चल रहा अच्छा, लेकिन हवा आ रहा है, लेकिन वो ठंडा नहीं है, तो इसलिए पानी डाल देते हैं अब इसके अंदर। ये देख सकते हैं इतना सारा बोतल इसमें पानी रहता है, तो अब डाल दे रहे इसके अंदर सब। बोतल का पानी डाल दिया, अब देखते हैं इसको चालू करते हैं। अब ये मोटर का बटन हो गया चालू, चलिए पापा का इंतजार करते आने का। अरे भाई गए थे दुकान, थोड़ा मोबाइल में नया नया मोबाइल था कवर लगाने के लिए, इतना ज्यादा भीड़ था, थोड़ा समय लगे लग गया कवर इसमें। स्क्रीन गार्ड है, स्क्रीन गार्ड, कौन ब्लेड, टेम्पलेट बोलते टेम्पलेट,
अच्छा टेम्पलेट लग गया, ठंडा भी था ले आए, सुबह हमको पसंद है यही तो ले लिए, चलते हैं यहाँ से। और चश्मा का ही और चश्मा अभी तो इतना धूप नहीं है चश्मा, फिर भी ना ना धूप जब कहीं धूप लगता थे, जब बादल से निकल के जो सूरज निकलता है ना तो काफी ज्यादा लगता है, थोड़ा आँख भी छोटा हो जाता है। चश्मा तो मेरा कई था, लेकिन अभी हम जो फंक्शन में घर में थे कहाँ किधर घुस गया, कुछ मिल ही नहीं रहा था, ऐसे निकला है, अब याद नहीं आ रहा कहाँ रखे क्या किए, तो चले ले लिए एक दुकान में मिल गया बढ़िया। दोस्तों अभी तो निकल गए हैं और शाम भी लगभग होने वाला है, और हमारे झारखंड में अगर कोई शादी वगैरह होता है तो मतलब बहुत ही जोरदार, बहुत ही खुशी, बराती लोग या लोकल लोग सब नाचते गाते, बहुत ही आनंद आता है। तो आपको दिखाते हैं, सामने बराती दिख रहा है हमको, देखिए कितना अच्छा सब झूम रहा है, सब नाच रहा है सब। और यहाँ का ये नहीं कि ताशा पार्टी या फिर कोई बॉक्स वगैरह बज रहा है, यहाँ का देखिए ढोलक बजना यही है, यहाँ का ढोलक बजना पे सब आराम से एकदम नाचना है, सब मिलजुल करके बहुत हंसी खुशी सब एकदम बहुत अच्छा तरह से शादी मनाया जाता है। जितना भी बराती आता है सब मतलब दिल खुश, और देखिए कोई रात नहीं है, दिन है अभी शाम के टाइम में। और हमको भी लगता है ये चीज बराती वगैरह जो है शाम तक ही, रात को 8 बजे तक ही अच्छा है, क्योंकि बराती का मजा जो होता है एक होता है रात को 12 बजे 1 बजे तो बहुत सा बच्चा लोग सो जाता है, तो बराती का आनंद नहीं ले पाता है। कई बार होता है कि हमको नाच देखना है या बराती देखना है, इतना रात हो जाता है ना सब सो जाता है, सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। अच्छा ज़्यादा रात में खाना भी नहीं खाना चाहिए, तो हमको मेरे ख्याल से लगता है कि शाम में 8-9 बजे तक 10 बजे तक बराती दरवाज़ा लग जाना चाहिए, शादी ब्याह भी होना चाहिए कि सब लोग देखें। तो चलिए ठीक है, अभी तो हमारा समय पार हो गया है, लेकिन अभी हमारे लड़कों का समय आने वाला शादी का, तो हम उसे टारगेट रखेंगे, ज़्यादा रात नहीं करेंगे। तो चलते हैं अभी, गुमला आने वाला अभी। अभी दोस्तों शाम के 5 बजे और हम लोग आए गुमला वाले पंप में, क्योंकि डीजल लेना था। तो देख सकते हैं पापा भी गाड़ी लगा रहे हैं यहाँ पर, ऐसे जब भी हम लोग इधर से जाते हैं तो यही पंप में लेते हैं हमेशा डीजल। दोस्तों अभी सोच रहे हैं 100 लीटर तेल लेते हैं, ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है, तो 100 लीटर तेल ले लेंगे, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ यहाँ सस्ता पड़ता है, और उसके बाद तो फिर देखा जाएगा, जहाँ जाएंगे फिर वहाँ के हिसाब से लेंगे, तो थोड़ा तेल लेना जरूरी भी था अभी, तो ले लेते हैं तेल। 93 रुपया 19 पैसा यहाँ पर है अभी, छत्तीसगढ़ में कितना मालूम है, ज़्यादा तो है, फिर आगे बढ़ जाओ महाराष्ट्र, वहाँ पर कम है, यहाँ से भी कम है, तो अभी तो खैर खाली करना पहले वहाँ, उसके बाद ही आगे देखेंगे। दोस्तों अभी रात के 8 बज चुका है और हम छत्तीसगढ़ आ गए हैं, बॉर्डर पार करके जहाँ सामान वो लेते हैं, देख सकते हैं सामने दुकान है यहाँ पे, और मौसम यहाँ पर तो चेंज हो गया, लग रहा है कि जबरदस्त बारिश होने वाला है, जो हवा बूंदाबूंदी बारिश चालू हो गया है, और हवा भी जबरदस्त चल रहा है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा भीग भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे भी, तो अभी हम आनंद ले रहे हैं थोड़ा हवा का, और यहाँ पर भी सामान वाल लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, वो थी कि थोड़ा सा मौसम खराब हो जाने बाद रात में थोड़ा गाड़ी चलाने में दिक्कत होता है, तो चले कोई बात नहीं, पहले सामान लेते हैं। तो सामान तो ले लिए हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं लिए, सुबह आया तो उसके लिए बरस भी ले लिए हैं, और ये साबुन हमको बहुत अच्छा लगता है कपड़ा खींचने के लिए, बहुत बढ़िया साबुन लगता है हमको, यही हम लेते हैं गाड़ी में, और सुबह तो मिक्सर खाता है तो मिक्सर भी ले लिया है, बस यही सब सामान, माचिस वगैरह, ज़्यादा सब बाकी सामान तो है ही, ऐसे तो खाना गर्मी में बहुत कम बन रहा था, अब बारिश चालू होगा ठंडा आएगा तो गाड़ी में बनना चालू हो जाएगा, तो और भी सामान लेना चालू हो जाएगा, तो ठीक है यहाँ से लेकर के निकलते हैं। कितना हो गया टोटल मेरा, दोस्तों अभी हम लोग खाना खाने आ गए हैं, और अभी हम लोग जसपुर में हैं, तो बाहर तो बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रहा है, तो लगा दी होटल पे गाड़ी और ये खाना खाने आ गए, तो आज हम कड़ी पकौड़ा के लिए बोले हैं, कड़ी पकौड़ा, और शुभम का है सेव भाजी, तो सेव भाजी है, लेकिन सागर जब भी बोलता था सेव भाजी तो दूध भी मंगाता था, और ये तरी में मंगाया है, तो ये इसका अलग अलग अपना अपना शौक है खाने का, तो ये तरी वाला खा रहा है और हम मंगा लिए सेव अपना कड़ी पकौड़ा, तो खाते हैं और यहीं पे सोएंगे अभी, क्योंकि बाहर देखो इतना तेज़ बारिश हो रहा है, तो लाइन वगैरह भी कट गया है, जनरेटर स्टार्ट किया गया है, तो यहीं पे सोएंगे फिर यहाँ सुबह उठ के चलेंगे, चलते भी खाना खाते हैं। दोस्तों खाना तो हमारा हो चुका, अब जा रहे हैं हम लोग सोने के लिए, तो देख सकते हैं अब तो कूलर आ गया है, तो हम लोग को अलग अलग ऐसे सुतना पड़ेगा, हम इधर से इधर सोएंगे, पापा शायद इधर से इधर, तो पापा का तकिया यहाँ रख देते हैं और हमको इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पैर लंबा है तो यहाँ तक आ जाता है, तो ये मसाला का डिब्बा जाएगा आगे, तो ये मसाला का डिब्बा यहाँ हो गया, अब पापा का तकिया रहा यहाँ,
ये सब को हटाना पड़ेगा, मेरा तकिया और ये कूलर चालू। दोस्तों अभी रात के 11 बज चुका है, खाना वाना हम लोग खा लिए हैं और पानी भी थोड़ा कम हो गया, अभी बारिश का कम हुआ है। तो आगे लोरो घाट है, तो लोरो घाट तो खैर रात में जाएंगे नहीं, सुबह सुबह डूलेंगे वहां पे, तो बारिश वगैरह थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है नए नए बारिश में। तो ठीक है दोस्तों अभी सोते हैं यहाँ पर, सुबह मिलते हैं आप लोग से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है और सुबह 6 बज चुका है। हम लोग होटल से निकल गए हैं, तो वहां से चलने के बाद इधर तब देखिए सूखा पड़ा हुआ है। रात में इतना बारिश हुआ था, इतना बादल गरज रहा था, बिजली चमक रहा था कि हम लोग गाड़ी खड़ा कर दिए थे। और इधर पूछे अभी सुबह चाय पीने रोके थे, बोला भैया इधर बारिश ही नहीं हुआ, यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे बारिश हुआ जबरदस्त, इधर बारिश ही नहीं। तो खैर इस टाइप का बारिश हो रहा है, छिट फिट हो रहा है, कभी इधर कभी उधर करके। तो खैर एक बरसात में पूरा शुरू नहीं हुआ अभी, तो लगातार तो चालू होने ही वाला है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लोरो घाट, अभी जसपुर पार करेंगे, लोरो घाट है। तो दोस्तों मेरा एक चेला है जो काफ़ी पुराना चेला है, तो वो भी आ रहा आगे से गाड़ी लेकर रायपुर से, तो उसको शुरू से हम ही ड्राइवरी सिखाए हैं, गाड़ी भी दिलाए हैं उसको, रांची में रांची गाड़ी चलाता है वो, रायपुर लंच चलता है। तो वो भी हमको कल कॉल किया था रात में, तो वो बोला कि भैया आप सुने आप रायपुर सब आ रहे हैं, हमने हाँ आ रहे हैं, बोला हम भी उधर से भर के आ रहे हैं तो मिलना है। तो हम लोगों को मुलाकात जो आज होने वाला है, देखते हैं आज किस समय में होता है, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था तो फिर बात नहीं हुआ कि वो कहाँ है क्या है। तो हमको लग रहा कि जसपुर के आसपास या जसपुर के उस पार कहीं मिलना चाहिए। तो ठीक है अभी रुकते हैं कि उसका इंतजार भी करेंगे और कॉल भी लगा कर देख लेंगे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं जसपुर के बाईपास में, तो यहाँ पर नेटवर्क मिला हमको भी, तो उसको भी मिला नेटवर्क, मेरा क्लासिक जो बोर्ड थे आने वाला था, कॉल आने वाला था, तो बात हो गया है। तो उसको उसका कहना है कि यूनिवर्सिटी पे था नहीं वो, तो एक छोटा सा प्रोग्राम करने खोज रहा है वो, कि आज हम लोग साथ में नहीं रहे, काफ़ी दिनों बाद हम लोग साथ में मिल रहे हैं। तो उसके लेकर के रास्ते पे घर पे, तो जब हमारा घर का पूजा हुआ था, मुलाकात हुआ था समय, रास्ते में आज पहली बार मिल रहे हैं हम लोग, मैंने बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, पहली बार नहीं बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग। तो बोला कि छोटा सा पार्टी करना चाह रहे हैं आपका यूनिवर्सिटी लेकर, हम ठीक है बाबू। तो वो कुछ सामान ले रहा है, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ये सब देखने को मिलेगा कि हम लोग क्या बना रहे हैं और क्या लेके आ रहा है, हमको भी नहीं पता अभी कि क्या लेके आने वाला है वो। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा ये सब कि हमारा और उसका छोटा सा पार्टी होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों इस ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।